पाचूरे में स्वागत है। और आज हम जिस मूवी की अनाउंसमेंट डेट तो नहीं है वैसे, लाइक ये कि एक मूवी के बारे में बताया गया है कि भाई फिल्म बनना दोबारा से शुरू हो गया है सेकंड पार्ट। सो कौन सी मूवी बताएंगे मौजम? टाइटल है स्त्री लेकिन लेकिन ये कि हम लोग पहले जो स्त्री वन है उसका टीजर आज देखेंगे, ताकि वो कहते हैं ना कि एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो सबको याद आ जाए, फिर उसके बाद स्त्री टू जो भी हमें टीजर जो भी दिखाया जाएगा वो हम आपके साथ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाई इसको डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने, और अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें उसमें है दिनेश विजयन और राज, और स्टार कास्ट में है राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अपर शक्ति खुराना, और इसके साथ है अभिषेक बैनर्जी जी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके मैं व्लॉग चैनल का लिंक और स्ट्रीमिंग का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। देख लेते हैं ये वीडियो। ओके थ्रू फिनोमिनल ओए स्त्री कलाना ओए स्त्री, यहां मर्दों को उठाती ना स्त्री, यहां कोई मर्द नहीं रहता, सारी स्त्री रहती है। हाँ। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? मैंने ये लिखा यहाँ कोई मर्द नहीं रहता, या यहाँ कोई मर्द आई थिंक ये लिखा होगा क्योंकि हर घर पे ये लिखा हुआ है ना। हाँ मर्द को दर्द होगा। सो भाई साहब ये देखकर जो है ना मुझे याद आ गया जो दीवार पे लिखा होता था वो ये लिखा होता था कि इस घर में कोई मर्द नहीं रहता। और यशमिन सॉरी उसकी जो राजकुमार राव सर हैं उनकी स्टोरी वहाँ से शुरू होते हैं, वो जो पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं बाहर, लिखा होता है बाहर कोई जो है ना वो दीवार पे सुसू कर रहा है और वो मैं कहता हूँ नहीं मिट जाता है या मर्द मिट जाता है, दोनों में से कुछ एक मिट जाता है, तो वहाँ से स्टोरी शुरू होती है और वहाँ फिर इस साल मर्द को दर्द होगा तो भाई और मुझे लगता है दोबारा से होगा। लेट्स सी, अभी तो खैर हम लोग देखेंगे कि जो नई अनाउंसमेंट आई है या जो भी टीजर है जो भी दिखाया जाएगा उसमें। लेकिन ये कि भाई ये जो पुराने वाला था स्त्री जो कि 2018 में आई थी, सो ये भी काफी ज्यादा हॉरर मतलब एक टीजर लग रहा है, स्पेशली जब जो लास्ट में वो दिखाते हैं ना जिस तरीके से, और म्यूजिक और जो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना मतलब वो मुझे लगता है लैंग्वेज कुछ और ही होती है, लैंग्वेज डिफरेंट है वो, ये नहीं यानी कि बाद में कहते हैं ना इस घर में कोई मर्द नहीं रहता, तो मेरा ख्याल सब तो समझ, मेरा ख्याल वो शायद वो कोई लोकल लैंग्वेज होगी उसमें वो कह रहे होंगे। तो अभी तक तो भाई ये जो टीजर हम लोगों ने पुराने वाला देख लिया इसलिए ताकि हम सब रिकॉल कर लें कि क्या हुआ था फर्स्ट टीजर में। हाँ लेकिन फर्स्ट मूवी मुझे जहाँ तक याद है ना एंड तक ये क्लियर नहीं हो सका था भाई श्रद्धा कपूर जो है वो स्त्री स्त्री तो है लेकिन चुड़ैल वाली स्त्री है कि नहीं है। ओके वो कन्फ्यूज मैं, क्योंकि मैंने देखी थी तो एंड पर जो है ना वो गायब हो जाती है। तो भाई स्त्री टू में भी हमें श्रद्धा कपूर जो है वो नजर आ रही है, तो कास्ट जो है काफी लंबे अरसे बाद, कास्ट तो मैं कह रही हूँ काफी लंबे अरसे बाद, क्या मौत अभी रिसेंटली उनकी मूवी आई थी रणबीर। अरे मैं स्त्री की बात कर रहा हूँ। वो गैप हाँ बीच में काफी ज्यादा है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या हमें दिखाया जा रहा है स्त्री टू में के टीजर में या अनाउंसमेंट में क्या बताया जा रहा है, तो अभी हम देखते हैं वो आपके साथ। ओके मिसिंग कुछ सेम आवाज है ना? ये तो नहीं यहाँ मर्द नहीं रहता यही लिखा हुआ है 2018 में था ये, और यहाँ मर्द रहता है अभी हो यहाँ मर्द रहता है मे भी भाई आपने बताना है हाँ, शायद ये लिखा होगा 2024 में हाँ। ये क्या I don't know बारू बने मुझे हाथ लग रहा था filming begins now। तो भाई स्त्री का जो हम लोगों ने ये एक फिल्मिंग बिगिंस लाइक एक तरह से अनाउंसमेंट की है कि मूवी जो है वो सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है बनना,
बट मैं ये कहूंगी कि जो टीजर हम लोगों ने देखा है और जो अभी हम लोगों ने ये एक अनाउंसमेंट देखी है, इसमें जो आवाज थी वो तो सेम थी. और जहां तक मुझे लग रहा है कि जो टीजर में दिखाया गया पहले की दीवारों पर जो लिखा होता है, जो हम लोग उस टाइम पर भी अनुमान ही लगा रहे थे कि लिखा हुआ कि यहाँ मर्द नहीं रहता, और यहाँ पर जो बाद में काटा गया हिंदी में तो शायद यही लिखा हुआ कि यहाँ पर मर्द रहता है. मुझे लगता है 5 सालों में ना औरतें काफी ज्यादा चेंज हो जाएंगी. उन्होंने लिख दिया अपनी दीवारों पे यहाँ पे मर्द रहता है, उठा लो. वैसे अभी तो मूवी आएगी तो पता चलेगा. सॉरी, लेकिन सॉरी कर रहे हैं हम तो अपने बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन क्योंकि अगर देखा जाए ना शुरू में मिसिंग जो लिखा हुआ है, कितनी ज्यादा जो है जो वो हाँ. लोग हैं डिफरेंट, इनके वो क्लियर नहीं दिखाया हुआ कि वो कौन कौन है. लेकिन मुझे लगता है कि इस सीजन वो पार्ट में काफी ज्यादा लोग मिस होने वाले हैं. बट पता है मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा पहचानने की कोशिश कर रही थी कि जो पहली स्टार कास्ट है मे बी वो लोग मिसिंग होंगे, लेकिन उसके जैसे चेहरे नहीं लग रहे, पता नहीं चल रहा. सो ये हो सकता है कि जैसे पहले वाली स्टोरी में मौजूद ने बताया एक बैकग्राउंड दिया, तो मे बी जो जहाँ पर लिखा कि यहाँ पे मर्द रहते हैं तो वो सारे मर्द मिसिंग हो गए हों, फिर इसमें ये दिखाया गया. मे बी हो सकता है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि भाई वो लिखा किसने. ट्रेलर 2024 में ये मूवी आ रही है भाई, मजा आएगा वैसे ये मूवी देखने का. और बीजीएम जो है वो मुझे अच्छा लगा, मतलब थोड़ा सा यू नो वो हॉरर मूवी टाइप का. और उसके साथ साथ जो लास्ट में स्त्री दिखाई हुई है वो पता नहीं मुझे तो हाथ लगा है, मतलब टीजर में तो चुड़ैल बहुत ही क्लियरली नजर आई थी, उड़ती हुई. और इसमें तो थोड़े से उड़ती हुई नहीं थी, वो हैंग थी यार. अरे वो हमारे मुताबिक उड़ती हुई थी. लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे ना बाल शायद किसी के पकड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे ऐसा ही लग रहा है, मतलब किसी मर्द के ही हाथ पकड़े होंगे. हाथ ही पकड़ के लेके जाती होगी, बाल में घसीटते हुए ले जाती होगी. देखते हैं कौन कौन मिसिंग होता है. ये तो अब ट्रेलर और टीजर आएगा इसका, तो भाई फिर ज्यादा मजा आएगा देखने का. तो आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है स्त्री 2 में और स्त्री 1 किस किस ने देखी है. और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय.